ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां जहानागंज के बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया गया खीर वितरण। आगे बात करेंगे बेतिया की, जहां ग्रामीणों ने गांव की सड़क पर बांस बल्ला लगाकर प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। साथ ही आगे चर्चा होगी सीतापुर की, जहां पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने खुद जाकर कोतवाली में कबूला जुर्म। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के मुस्फाबाद बुद्ध विहार स्थल पर बुद्ध विहार के संस्थापक रामनाथ बिसरत की देखरेख में बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम आज दोपहर लगभग 12 बजे शुरू हुआ। इस अवसर पर स्वाभिमान सेवा समिति, रक्षा दल, ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष धीरज बौद्ध, कमेटी के बाकी सदस्यों तथा गांव के तमाम महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित हुए। इस अवसर पर श्री त्रिशरण पंचशील कार्यक्रम कराया गया, जिसमें तमाम महिला, पुरुष, बच्चों ने भाग लिया व कार्यक्रम के समापन पर कमेटी व संस्थापक तथा ग्रामीणों के सहयोग से खीर बनाई गई, जिसमें तमाम रास्ता चलने वाले व गाँव के बच्चों, महिलाओं को देर शाम तक वितरण किया गया। इस अवसर पर रामनाथ बिसरत, भीम आर्ट इंजीनियर, सोनू बौद्ध, बलवंत मास्टर, शिव कुमार बौद्ध, धीरज बौद्ध, डॉक्टर सरोज, अरविंद राम रत्न, डॉक्टर जितेंद्र भी, सुरेश नेता आदि लोग मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सी बी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बेतिया के नरकटियागंज से सामने आई है, जहां प्रखंड क्षेत्र के गदियानी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव की सड़क पर बांस बल्ले लगाकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए बूथ बदलने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि अचानक बूथ को बदलकर 2 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिससे महिलाओं के साथ बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 20 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय गदियानी टोला में बूथ था, जिसे बदल दिया गया है, जिससे वोटरों की परेशानी बढ़ गई है। अब वोट बहिष्कार का ग्रामीणों ने फैसला ले लिया है। ग्रामीण गांव की मुख्य सड़क पर बांस और बैनर लगाकर सड़क को जाम कर विरोध कर रहे हैं। बूथ संख्या 152 और 153 को पुनः प्राथमिक विद्यालय गदियानी में करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। लेकिन यहाँ लोगों में काफी नाराजगी है कि यहाँ मुखिया का इलेक्शन होता है, बच्चे पढ़ते हैं और भी इलेक्शन हो जाता है, लेकिन लोकसभा में इस बूथ को हटा करके दूसरे जगह कर दिया गया है, जिससे यहाँ की जो महिलाएं जो हैं वो नहीं जा पाएंगी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। और अचानक से इस तरह का फैसला लेना जो है लोगों के समझ से बाहर है। तो मैं दूरभाष पे जो है एसडीएम साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं व्यस्त हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो अंचलाधिकारी को हमने सूचना दिया है कि यहाँ इस तरह से जो है प्रचार वाहन को रोका गया है, और यहाँ के लोग जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना बूथ यहाँ चलता था हर इलेक्शन में, उस बूथ को जो है यही किया जाए, शिफ्ट किया जाए। प्रशासन के पास अगर इसकी कोई व्यवस्था हो तो यही करे, ताकि महिलाओं को। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये 15 से 20 साल से पहले हमारे यहाँ पे बूथ था, अचानक से बूथ बदल देने के कारण हमारे जेंट्स लोग जा सकते हैं वोट देने के लिए, हमारी लेडीज नहीं जाएगी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वोट देने के लिए। इसीलिए हम लोग बांस बल्ला लगा के जाम किए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। नो बूथ नो। क्या मांग क्या है प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही है कि हमारा बूथ वापस किया। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रभारी पर शक्ति दिखा रही है पुलिस। मतदान के बाद वही शक्ति केंद्र प्रभारी कैलाश सिंह लोधी अपनी रक्षा के लिए भटक रहे हैं पुलिस अधीक्षक के पास। ललितपुर तालबेहट बिरधा ब्लॉक के शक्ति केंद्र प्रभारी कैलाश सिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरजी संख्या 2546 ग्राम बिरधा, परगना व तहसील तालबेहट में मैं पिछले 19 सालों से काबिज हूं और वहीं संबंधित ज़मीन का मामला न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न में दाखिल है। तालबेहट बिरधा के निवासी राघवेंद्र पुलिस के साथ मिलकर दबाव बना रहा है, कह रहा है ज़मीन छोड़ दो नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। वहीं न्याय की गुहार के लिए भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और मांग की न्याय की। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। कहाँ से आए हैं आप? पूरा बिरधा से। अच्छा, क्या समस्या लेकर? ये हमारी ज़मीन का मामला था एक, जिसका हमारा एग्रीमेंट था, पोजेशन वाला एग्रीमेंट जी, 18.5 साल पहले हुआ था। विक्रेता को एग्रीमेंट के बाद विक्रेता एक्सपायर हो गया। एक्सपायर के बाद नाबालिग बच्चों के नाम आया। नाबालिग बच्चों के नाम आने के बाद जब बालिग हुए वो, हमने कहा कि वो उसका रजिस्ट्री करवा दो। वो हमें आश्वासन देते रहे कि हम कर देंगे। इस बीच हमें पता चला कि 2023 में पूर्व प्रधान का लड़का राघवेंद्र ने उसको क्रय कर लिया और उस पर कब्जे के लिए आया। जब हमें पता चला हमने रजिस्ट्री दिखवाई, एक तहसील में दिखवाया, तो बताया कि इसकी रजिस्ट्री हो गई है और दाखिल खारिज भी हो गया है जी। तब हम कोर्ट में आए, सिविल कोर्ट में हमने अपना बात दायर किया, पोजीशन ना हटे इसके लिए, तो उसका हमारा मुकदमा चल रहा है। इस बीच अभी जो है 22 तारीख को सुबह करीब 9-10 बजे ये अपना कब्जा करने के लिए राघवेंद्र और उसके बच्चे पहुंच गए। हमने मना किया तो वो चले गए, गाली गलौज करके चौकी चले गए। वहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय ने हमें बुलाया कि आ जाओ भैया, आपका क्या मामला है। हम चौकी पहुँचे, वहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय बोले कि क्या मामला है भाई। हमने कहा कि साहब हमारा पोजीशन वाला एग्रीमेंट है और अभी तक कोई हमारा एग्रीमेंट कटा नहीं है, खारिज नहीं करवा है। उसके बीच इन्होंने साहब बेच दिया है जो इलीगल है। हमने इसका बात दायर किया है, हमारा पोजीशन है श्रीमान जी, हमारा पोजीशन ना हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे या तो इसका स्थगन आदेश दो या फिर रजिस्ट्री कैंसिलेशन कर दो। हमने कहा साहब मेरे हाथ में कोर्ट तो है नहीं, तो मुकदमा चल रहा है, जैसे ही फैसला आ जाएगा, अगर इनके पक्ष में आ जाएगा तो हम उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। वो तो बोले कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप तो 30 तारीख तक अपना कर लीजिएगा, नहीं तो मैं हटा दूँगा। मैंने कहा साहब आप तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि बात दायर है। तो बोले कि तुम कानून दिखाते हो, मैं साले उठा के बंद कर दूँगा। उन्होंने कहा इसको मोबाइल दो और मोबाइल रख लो, गाड़ी में उठा लो, इसको बंद कर दो। शिवान जी मैं यहाँ का क्षेत्र का पूर्व प्रधान हूँ और मेरे नाम खिलाफ़ में अभी तक कोई एनसीआर भी नहीं है। मैं इस भ्रांत क्षेत्र का वो हूँ, व्यक्ति हूँ और मुझे जो है बेइज्जत किया गया है। तो क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं सर कि हमारा फैसला आने तक हमारा कब्जा की बेदखल की ना किया जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर के महमूदाबाद से आ रही है, जहां एक जुल्मी पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल प्राप्त सूचना के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के रुदायन निवासी गरीबे लाल उम्र 40 वर्ष पुत्र राम प्रसाद देर रात कोतवाली पहुंचा, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली जांच पड़ताल शुरू हो गई। सूचना के अनुसार बीबी हीना देवी की हालत गंभीर थी। आनन फानन में उसे ग्रामवासी उसे CSC महमूदाबाद लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पत्नी हिना की जिला अस्पताल में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतका का मायका रामपुर मथुरा के गोंदाहा का है और कुल 5 बच्चे हैं। फिलहाल आरोपी गरीबे लाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस छानबीन में जुटी है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? क्या वाकया हुआ है आपके परिवार के साथ? हम साहब गोंदाहा रही है। अच्छा, में लड़की भी है। अच्छा, आपकी लड़की है? क्या नाम है लड़की का? टीना देवी। अच्छा, क्या हुआ है पूरा प्रकरण, क्या मामला है आपकी लड़की के साथ? ऐसी क्या घटना घटी है जो आप महमूदाबाद कोतवाली में आए हुए? ऐसा साहब अब हम दूरी रहन, अब गोंदाहा घर हमारा है, हियाँ बेटी बहन नहीं। अच्छा, तो अति दूरी साहब हमका का मालूम कैसे का कहीं नहीं। अच्छा, फिर भी क्या जानकारी मिल पाई है जिससे आप अपने घर से भागते हुए यहाँ तक आए हैं? हमका ये साबित हुआ कि लड़की तो हम मारिन पीटी नहीं होने वाला कि हाँ लड़की मरे वाली है। अच्छा, हम आए हैं। अच्छा, क्या अभी तक क्या आपको जानकारी मिली आपकी लड़की सुरक्षित है या नहीं है? लड़की सुरक्षित कहाँ है, खत्म है। अच्छा, आपकी लड़की अब सुरक्षित ना होके इसकी मौत हो चुकी है? मौत हो चुकी है। ये खत्म कब हुई है? हाँ, खत्म कब हुई? इलाज के दौरान या वहाँ से जिंदा ही लड़की? हाँ, वहाँ से तो जिंदा ही, वहाँ से एम्बुलेंस से आई। अच्छा, क्या आप इससे पहले कभी महमूदाबाद थाने में आके शिकायत किया आपने या नहीं किया? कोई पुलिस को जानकारी? 100 नंबर साहब बलायन एक में। अच्छा, हो गया साल 2 साल। अच्छा, समझौता कराए कहाँ से भी चलेगा नहीं। क्या नाम है पूरा, क्या मामला है और क्या आपके परिवार के साथ आज घटना घटी है? हमारा नाम अखिलेश है, ग्राम गोंदाहा में रहता हूँ। कि हमारे बहन के दुख होने के कारण खाना खर्चा नहीं दे रहे थे। कई बार हमने आया यहाँ कोतवाली पे, न्याय हमको नहीं मिला। अच्छा, कहाँ पे कोतवाली पे आया? महमूदाबाद सर। अच्छा, तो क्या पूरा प्रकरण रहा? आपके जो जीजा जी ने आज ये घटना का अंजाम दिया है? कई बार पैर पकड़ा, हाथ भी जोड़ा। ये हमारे भांजे थे, 4-5 भांजे थे, उनको खाना कपड़ा नहीं दे रहे थे। ये भूखों मरने लगे तो कहीं मौसी के वहाँ जाते, कहीं नानी के वहाँ जाते, कहीं अपनी फूफा के वहाँ जाते थे। अच्छा, वही इधर उधर भागते रहते थे। अच्छा, इससे पहले आपने आज जो घटना घटी, इससे पहले क्या आप महमूदाबाद थाने आए थे? जी, 2 बार आए। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? आज में न्याय हमको नहीं मिली। अच्छा, पकड़ के लाए, कहीं चांदपुर से डाल दें, कहीं कुटिया पर से वापस भेज दें उसको। अच्छा, जी। नाम है आपका? महेश। कहाँ रहते हैं? गोंदाहा। गोंदाहा रामपुर में पड़ता है? हाँ, थाना रामपुर मथुरा। ये जो आज घटना हुई है, जो पति ने ही अपने पत्नी को मार करके यहाँ पर कोतवाली में खुद वो जो आया है यहाँ पर अपना गुनाह उसने कबूल किया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानते इस मामले में? हम उनको ये बात नहीं पता। क्या हमको ये नहीं पता किस लिए मारे, किस लिए किया गया, लेकिन ये जानते हैं कि बच्चों अगर मजदूरी करते थे, पैसा ले लेते थे, लेकिन उनको 10 रुपये खाने के लिए बच्चों को नहीं देते थे। भीख मांग के हमारी बहन जो है तो अपना पेट जाती थी, लेकिन बेइज्जती के मारे हम लड़की को हमसे नहीं भेजे कि हमारी कभी बेइज्जती हो जाएगी, कभी ऐसा कर्म नहीं किए। आज दिनांक 23 मई 2024 को ग्राम रुदाइन थाना महमूदाबाद में गरीबे लाल नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी हीना देवी, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, सुबह कुदाल से उसके सर पे प्रहार कर दिया था, जिसकी सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सीएचसी महमूदाबाद एडमिट कराया गया था, जिसके उचित और अच्छे इलाज हेतु उसको रेफर किया गया था जिला चिकित्सालय सीतापुर में। इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई है। इसमें उसके पति को हिरासत में लिया गया है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां थाना रामानुज नगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को भगाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला थाना रामानुज नगर क्षेत्र के पत्रपाली का है, जहां रहने वाले ऋषि पटेल ने एक किशोरी को भगाकर अपने साथ ले गया था। ऐसे में किशोरी के परिजनों ने थाना रामानुज नगर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर पतासाजी में लगी थी। इसी दौरान नाबालिग किशोरी को पुलिस ने ग्राम पत्रपाली निवासी ऋषि पटेल के घर से बरामद किया और नाबालिग किशोरी से पूछताछ कर ऋषि पटेल को जेल भेज दिया है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, जो कल गुमिंसान की पतासाजी के दौरान पता चला कि लड़की को एक ऋषि पटेल ग्राम पत्रापाली का व्यक्ति उसको अपने पास रखा है, जिसको लड़की को बरामद कर उसे सखी सेंटर में रखा गया और तत्पश्चात लड़की के कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 376 जोड़ा पास्को एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी को जेल भेजा गया है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।